Greetings everyone. Today we are going to do writing book, English writing book. आज हमारा new letter है V. V वा van. Page number 26. चलिए start करते हैं. V वा van बनाना बहुत easy है. पहले हम बनाएंगे slanting line. फिर again slanting line. V वा van. V वा van. V वा van. We were van. We were van. We were was. We were van. Slanting line. Again slanting line. We. Slanting line. Again slanting line. We. Now page number 27. Page number 27 में भी हमें write करना है. We were van. Slanting line, again slanting line, तो क्या बन गया? V. 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 आपको इसी तरीके से पेज नंबर 26 एंड पेज नंबर 27 कंप्लीट करना है और नीचे वैन की पिक्चर है, आपको उसमें कलरिंग करनी है. ओके, नाउ मैथ्स राइटिंग बुक पेज नंबर 86. पेज नंबर 86 में हमारा न्यू नंबर है 1919. 1919. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें 1 राइट करना भी आता है और 9 राइट करना भी आता है. 1919. 1919. 1919. 1919. 1919. 1919. 1919. Now page number 87. Page number 87 में भी हमें write करना है 1919. 19 standing line half circle 9. 1 standing line half circle 9. 1919. 1 standing line half circle 9. 1919. 1 स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल 9. आपको इसी तरीके से पेज नंबर 86 और 87 कंप्लीट करना है. ओके, नाउ हिंदी राइटिंग बुक. हिंदी राइटिंग बुक में हम न्यू अपना लेटर करेंगे ई. तो ई का हमारा हेल्पिंग लेटर हम करेंगे पहले पेज नंबर 18 पर. ही राइट करना सिखाया गया है. इसमें हमें स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनानी है और हाफ सर्कल बनाना है सी. मतलब स्मॉल सी बनाना है हमें. स्मॉल स्टैंडिंग लाइन स्मॉल सी. स्मॉल स्टैंडिंग लाइन स्मॉल सी. टू लाइंस में ही हमें इसे कंप्लीट करना है. इसका नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग लेटर है जहां हमने सी कंप्लीट किया था ऐसे स्टैंडिंग लाइन और सी. अब ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन सी देन हाफ सर्कल बनाते हुए हम इसको टर्न करेंगे ई. तो हमारा क्या बन जाएगा? ई. ई से इमली. ई से इमली. ई से इमली. मतलब हम लोगों को पेज नंबर 18 पर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कंप्लीट करना है. इसको कंप्लीट करके हमारा क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ई से इमली. आपको इसी तरीके से पेज नंबर 18 कंप्लीट करना है. ओके.